नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा नव भारतीय परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, गत कक्षाओं में हमने कक्षा 6 की जो पाठ्य पुस्तक रुचिरा है उसका अध्ययन कर रहे थे। आज हम उसकी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 6 के जो पाठ्य पुस्तक का एकादश जो पाठ है उसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। एकादश पाठ का नाम क्या है दोस्तों? पुष्पोत्सव। एकादश पाठ का नाम क्या है दोस्तों? पुष्पोत्सव। पुष्पोत्सव, ठीक है ना। देखिए, यानी कि पुष्पों का जब उत्सव मनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पुष्पोत्सव। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए, उत्सव प्रिय भारत देश, यानी कि भारत देश जो है वो उत्सवों का आयोजनों का बहुत प्रिय देश है। ठीक है दोस्तों, अत्र कुत्रचित् शिव उत्सव भवति, कुत्रचित् पशु उत्सव भवति, कुत्रचित् धार्मिक उत्सव भवति और कुत्रचित् यानो उत्सव भवति। यानी कि यहाँ पर कहीं पर पशुओं का उत्सव होता है, कहीं पर धार्मिक उत्सव होता है और कहीं पर यानी कि मनुष्यों का उत्सव होता है या और कहीं पर यानों का यानी कि वाहनों का उत्सव होता है। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि हमारे भारत देश में कहीं पर पशु उत्सव, कहीं पर धार्मिक उत्सव और कहीं पर यह वाहनों का उत्सव होता है। ठीक है ना दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सव इति, अयम फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्धः अस्ति। यानी कि एतेषु एव अस्ति अन्यतम पुष्पोत्सव इति, यानी कि यहाँ पर जो है पुष्पोत्सव, अन्य जगह जो है पुष्पोत्सव को क्या कहते हैं? फूल वालों की शेर के नाम से जो है पुष्पोत्सव यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि पुष्पोत्सव को किस नाम से भी प्रसिद्ध है? फूल वालों की शेर के नाम से भी पुष्पोत्सव प्रसिद्ध है। ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद में देखिए, देहल्या मेहरौली क्षेत्रे अक्टूबर मासे अस्य आयोजनम भवति, यानी कि दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर मास में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है ना, यानी कि पुष्पोत्सव का जो आयोजन है वो दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर मास में पुष्पोत्सव का आयोजन किया जाता है। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यते, यानी कि इस अवसर पर बहुत प्रकार के विभिन्न प्रकार के उत्सवों को दिखाया जाता है। परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति, और ये परम बहुत ही आकर्षक और बहुत ही मतलब देखने में बहुत सुंदर मतलब लगते हैं। पुष्प निर्मितानि व्यंजनानि, और इन पुष्पों से कई प्रकार के निर्मित यानी कि निर्माण किए गए जो व्यंजन है उनको भी वहां पर दर्शाया जाता है। जना एतानि पुष्प व्यंजनानि, और जो लोग हैं वो इन पुष्प व्यंजनों को वहां पर देखने के लिए एकत्रित होते हैं या वहां पर देखने के लिए जाते हैं। ठीक है, योग मया मंदिरे वक्त यार काफी, यानी कि जहाँ वहां पर क्या है, योग माया मंदिर वक्त यार काफी के
इतश्च समाधि स्थल, और इस समाधि स्थल पर इसको क्या करते हैं, चढ़ाते हैं, यानी कि योग माया मंदिरे और वक्तियार काकी इतश्य समाधि स्थले अप्रति, योग माया मंदिर में बख्तियार काके की जो समाधि स्थल है वहां पर इनको अर्पण करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि दिल्ली के जो मेहरौली क्षेत्र है उसमें अक्टूबर मास में इस मेले का आयोजन किया जाता है, यानी कि इस पुष्पोत्सव का आयोजन पुष्पोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, अस्मिन अवसरे बहुविधानि, यानी कि इस अवसर पर बहुत प्रकार से विविध प्रकार से पुष्पाणि और विविध प्रकार के पुष्पों को वहां पर दर्शाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति, और ये बहुत ही आकर्षक और सुंदर है ना, मन को मोहने वाले कायसो जो है। ठीक है ना, पुष्प निर्मितानि और पुष्प ने पुष्पों से निर्मित इसमें व्यंजन बनाए गए हैं, और एतानि जना पुष्प व्यंजनानि, यहाँ पर जो भी जन है उन पुष्प व्यंजनों को देखने के लिए वहां पर एकत्रित हुए हैं या आए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में इतश्य समाधि स्थले च अर्पत, यानी कि यहाँ पर जो योग माया मंदिर है वहां पर बख्तियार काकी की जो समाधि स्थल है वहां पर इनको हम अर्पण करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे अपन चलते हैं, केचन पाटल पुष्पे निर्मितानि, केचन कणिका पुष्पे अन्य चंपाक पुष्पे अपरे मल्लिका पुष्पे इतरे च गेंदा पुष्पे निर्मितानि व्यंजनानि, यानी कि इसमें कनेर के पुष्प, पाटल पुष्प और जंपा को कुसुम, यानी कि जंपा के पुष्प और मल्लिका के पुष्प, गुलाब के पुष्प और गेंदा के पुष्प है ना, और इसमें चमेली के भी पुष्प इत्यादि सभी पुष्पों को पुष्पों से क्या है, ये निर्मित व्यंजन है। ठीक है ना, यानी कि कनेर के पुष्प, जंपा कुछ में जंपा के पुष्प है, गेंदा के पुष्प, गुलाब के पुष्प और पाटल पुष्पे ये चमेली के पुष्प इत्यादि पुष्पों से क्या है, यहाँ पर जो है वो व्यंजनों को निर्मित किया गया है, यानी कि निर्माण किया गया है। ठीक है ना दोस्तों, अयम उत्सव दिवस त्रियम यावत प्रचलति, और यह जो उत्सव है वो कितने दिन चलता है, 3 दिन चलता है। प्रचलति, यह जो उत्सव है वह 3 दिन चलता है। ठीक है दोस्तों, एतेषु दिवसेषु पतंगानां उड्डयनं विविधा क्रीडा मल्लयुद्धं चापि प्रचलति, यानी कि अब आगे क्या कह रहे हैं कि एतेषु दिवसेषु, यानी कि इन दिवसों में, इन सभी दिनों में पतंगानाम उड्डयनम, यानी कि पतंग को उड़ाने का और विविधा क्रीड़ा और विविध प्रकार की खेल क्रीड़ा जो है वो कराई जाती है, यानी कि विभिन्न प्रकार के खेल यहाँ पर खिलाए जाते हैं है ना। उसके बाद मल्ल युद्धम और कुश्ती भी मतलब कुश्ती भी कराई जाती है। ठीक है दोस्तों, मतलब यहाँ पर हमारे पुष्पोत्सव जो है वो मतलब हमारा जो भारत देश है वो क्या है, वो सबों से प्रिय है, और इसमें कई प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं, पशुत्सव, धार्मिक उत्सव, शिव उत्सव, यानो उत्सव, वाहनों का उत्सव,
सब है ना, और इसमें मतलब जो है वो हमारा जो ये पुष्प उत्सव नाम का पाठ है, इसमें हमने पुष्पों से जो निर्मित व्यंजन किए जाते हैं, जिनको कि योग मंदिर माया मंदिर में काका बख्तियार की समाधि स्थल पर इसको चढ़ाया जाता है। इसमें गेंदा के फूल, चमेली के फूल और चंपा के फूल, कनेर के फूल इत्यादि पुष्पों से क्या किए जाते हैं, व्यंजन निर्मितानि नियति, यानी कि व्यंजन निर्मित किए जाते हैं। अयम उत्सव, यानी कि ये जो उत्सव है वो 3 दिन तक चलता है। एतेषु दिवसेषु, यानी कि इन दिनों में पतंग उड़ाया जाता है, विभिन्न प्रकार के खेल की स्पर्धा कराई जाती है और मल्लयुद्ध यानी कुश्ती भी कराई जाती है। ठीक है ना दोस्तों, कुश्ती भी कराई जाती है, मल्लयुद्ध का मतलब कुश्ती। अब अपन आगे की ओर चलते हैं। देखिए विगतेभ्य द्वशत वर्षेभ्य पुष्पो वह जनान आनंदयति, यानी कि बीते हुए विगत 200 वर्षों से, ठीक है ना, 200 वर्षों से द्विशत वर्षेभ्य, ठीक है ना दोस्तों, 200 वर्षों से, 200 वर्षों से, 200 वर्षों से पुष्प उत्सव जो है वह ये जो पिछले जो 200 वर्षों से पुष्प उत्सव को जन जो है लोग जो है वो इसका आनंद ले रहे हैं। ठीक है ना, मध्य इयम परंपरा स्थगिता आसीत, और इसके बीच में ये जो परंपरा है मध्य इयम परंपरा यानी कि स्थगित यानी कि रोक दी गई थी, ये जो परंपरा है इसको बीच में रोक दिया गया था। परम स्वतंत्रता प्राप्ते पश्चात यम मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा, है ना, और तथा परम यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ये जो मन को मोहने वाली जो परंपरा है, मनोहर को मन को मतलब अच्छा लगने वाली जो परंपरा है, मन को मधुर करने वाली जो परंपरा है वो पुनः मैंने कि द्वारा चालू हो गई या द्वारा शुरू हो गई या द्वारा इसको पुनः प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि बीच में इसको क्या किया गया, पिछले जो परंपरा है वो 200 वर्षों से चल रही है और इसको बीच में मध्य में इस परंपरा को रोक दिया था, किसी कारण वश इसको स्थगित कर दिया था, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में इस मन को मोहने वाली परंपरा को पुनः क्या किया, शुरू कर दिया था, आप प्रारंभ कर दिया गया था। पुष्पोत्सव अलापि अद्यापि सोल्लासम सुसाह च प्रचलिति, यानी कि इस पुष्पोत्सव को सभी हर्ष और उल्लास के साथ इसका क्या प्रचलित यानी चल रही है, और इसकी जो पुष्पोत्सव की जो परंपरा है वो सभी लोगों में हर्ष और उल्लास के साथ इसको आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, हर्ष और उल्लास के साथ इसको मतलब आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें हमने मतलब पुष्प उत्सव के बारे में जानकारी करी कि यहाँ पर हमारे यहाँ
कहां पर पुष्पोत्सव मनाया जाता है और इसमें किस प्रकार का पुष्पोत्सव में क्या क्या किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजनों से, पुष्पों से बनाए गए व्यंजन तैयार किए जाते हैं और यहाँ पर वो जो उनकी समाधि है भक्त काका की, वहां पर इसको हमें पुष्पों को अर्पण कर दिया जाता है। और हमारे जो स्वतंत्र पिछले 200 वर्षों से ये हमारा पुष्प उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, हैं? बीच में इसको रोक दिया गया था, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारा ये जो आयोजन है वो प्रारंभ कर दिया गया है और इसको सभी लोग जो है वो हर्ष और उल्लास के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, हैं? ठीक है दोस्तों, मतलब इस हमारा जो पुष्प पाठ था इसमें आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।